पर कहाँ से? सीक्वेंस ये हो रहा है कि हम लोग हनीमून से वापस आ गए हैं, एक हफ्ते में नहीं, एक दिन में ही वापस आ गए हैं। एंड क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था। आई डिडंट गेट टायर्ड। एनीवेज, डिस्ट्रैक्टिंग मी। सो तू ही बता दे यार। वहाँ कुछ हादसा हो जाता है तो हम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे आके पता लगता है कि करवा चौथ की प्रिपरेशन चल रही है एंड ऑल, और वहाँ पे मुझ पर ही कुछ शक करने शुरू कर देती है कि मैंने मेरे पापा को मारा है। हाँ, इसके पापा को मारा है या फिर कुछ तो ही नोज अबाउट हर फादर, सो शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट। और वो यहाँ पे मतलब निकलवाने की कोशिश कर रही है अलग अलग डायलॉग्स के थ्रू, अलग अलग यू नो वेज के थ्रू, कि मैं पता कर सकूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ पे करवा चौथ पता नहीं कितने 3-4 महीने लेट सेलिब्रेट हो रहा है। सो मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि रणवीर का क्या लिंक है मेरे पापा की डेथ से, सो मैं कोई ना कोई बस रास्ता ढूंढ रही हूँ कि कैसे मैं निकलवाऊँ। अपने पापा की वो बिल्डिंग मांगते हुए जहाँ पर उनका ऑफिस था, उन्होंने आखिरी बार काम किया था ताकि रणवीर थोड़ा मैं उसके रिएक्शंस ऑब्जर्व कर पाऊँ एंड मेरे को पता लग पाए कि रणवीर के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये रणवीर की औकात के हिसाब से, औकात के हिसाब से गिफ्ट मांगती है। ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटा कोई गिफ्ट मांग लिया, कुछ परफ्यूम वॉफ्यूम, सीधा बिल्डिंग बिल्डिंग मांग लेती है। रणवीर नहीं है, ये आरवी है। रणवीर होता तो परफ्यूम मांगती। अरे मैं सोच रहा हूँ, मैं तो मतलब आई एम सरप्राइज की लड़की ने मुझसे बिल्डिंग मांग लिया, मैं क्या करूँ? मैं इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं दे सकता, मैं बिल्डिंग कैसे नाम कर दूँ? भले मेरी पत्नी तो क्या हुआ, सो आई मीन डिलेमा कि वेदर आई शुड गिव और नॉट। ये प्यार है इसका, इसके आशिकी मुझसे, देख देख लो इसके आशिकी, चिन्नी चिन्नी। और इसका प्यार क्या था, क्या था प्यार तुम्हारा? तुम्हारा कुछ प्यार व्यार नहीं था? प्यार भी नहीं फिर भी बिल्डिंग मांग रही। देखो, बस लड़कियों को पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए। ये चिन्नी आ रही है पापा के नाम पे, पापा के नाम पे तो बिल्डिंग मांग लेगी। ये प्यार है? प्यार नहीं, इसलिए नहीं दिया, प्यार होता तो दे देता। भैया भाभी आ गए।